इस कार के अंदर जो होता है टाइम बेल्ट होता है, जिसके कारण पूरा गाड़ी का इंजन वर्क करता है, चलता है, वो इस कार का है, ओमिनी का। लाइव आपको चेंज करते हुए बता रहा हूँ। मेरे एक मित्र है, उनको मैंने रिक्वेस्ट की, उसी रिक्वेस्ट पे ये लाइव मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से वो इसका, देखिए ये इंजन है, ये इंजन के अंदर लाइव जो उसका मेन बेल्ट होता है जिसके कारण पूरी कार चलती है, वो टाइम बेल्ट है ना, लाइव आपके सामने चेंज किया जाएगा। इसके लिए आपको पूरा कंप्लीट ये वीडियो देखना होगा। वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना इस वीडियो को। आपको ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस मिलते रहेगी जिसमें आपको मैं लाइव बताऊंगा कि कार में प्रॉब्लम्स होने पे कैसे किस तरह से कर सकते हैं। हेलो, अरे फटाफट नहीं तेरे को इसके लिए तेरे को बॉयलर सोच दिया, तो डाला ही नहीं तो क्या करे, तो मकई नहीं पाला। थोड़ी मेहनत कर लिया करो, सीख जाओगे अच्छे से। गुड्डू भाई से सीख लो टाइमर बेल्ट चेंज करना। दो मिनट रुकना, अब बताओ ना यहाँ से ये टाइमर है, देखो यहाँ से फोटो यहाँ से निकालो। टाइमर बैग चेंज करने के लिए ये मार्किंग होने चाहिए और नीचे का मार्किंग होना चाहिए, तो पहला नंबर पर टाइमिंग आएगा। फिर इसके बाद फिर ये घुमा के एक नंबर पर हो गया ना, पानो जो है 12 का इधर इधर बॉक्स बना देंगे।
उसके बाद ये खोल के ये खोल के निकाल दिए बराबर। निकालने के बाद यहाँ टाइमर देखने का, देखो यहाँ 10 को होना चाहिए, ये लाइन पर यहाँ पर 10 को होना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए वापस बता दो। यहाँ पर। अच्छा, यहाँ 10 पर आना चाहिए। अच्छा यहाँ पे, हाँ ये 10 पे पॉइंट आना चाहिए ना। आना चाहिए यहाँ पे, 10 पे आना चाहिए। ठीक है, अब फिर यहाँ ये टाइमर को लगाते कैसे टाइमर बेल्ट? हाँ, अभी ये नया बेल्ट लिए, इसको लगा देने का ये था। टाइमिंग ओके है तो लगाने में कुछ इशू नहीं है। अभी ये रखो, ये लगा दिए। अभी ये बेल्ट हल्का लूज रहेगा, इसको हल्का। अच्छा, बेल्ट लूज हाँ, होता है। हाँ लूज होता है ना, इसको हल्का एडवांस करने का, हल्का हल्का एकदम हल्का टाइमिंग रॉन्ग रहेगा तो ये लूज रहेगा। जो अभी ये लूज है, हाँ बहुत लूज, यहाँ भी लूज है। देखो अभी ये टाइमिंग थोड़ा घूम गया, घुमा ना, तो अभी इसको थोड़ा घुमा के ये बैरिंग अपन नया लगाए। अच्छा, बैरिंग कैसे लगेगा? बैरिंग को भी लगाने को बताऊँ, ये बोल्ट है, ये बैरिंग है, अभी ये लगा दिया है। अच्छा अच्छा, उसके बीच में लगाना है। हाँ, बीच में बेल्ट को सेटिंग करता है ना। अच्छा अच्छा, हाँ ये बैरिंग, हाँ उसको घुमाने के लिए रहता। हाँ, वो बैरिंग टूट जाएगा ना तो इंजन फ्री हो जाएगा, ये फ्री हो गया तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। अच्छा, तो एक चीज़ और बताइए इसमें, कि जैसे कोई भी मारुति की गाड़ी होती है तो उसका अगर ये जो टाइमर बेल्ट अगर टूट जाता है तो वो आगे चल सकती है या फिर नहीं? नहीं, गाड़ी वही जो रुक जाएगी। अच्छा, तो अगर समझो गैरेज तक लेके जाना 10-15 किलोमीटर तक नहीं कर सकता है, मैकेनिक बुला के वही काम करा के ले सकते हो। कितना टाइम लगता है इसको बेल्ट चेंज करने में? पूरा बेल्ट चेंज करने में आधा से एक घंटा लगता है। मतलब सर्विस सेंटर लेके जाने की जरूरत नहीं? नहीं, कुछ नहीं। कैसे पता चलेगा इसका बेल्ट टूट गया? बेल्ट टूट जाएगा, इंजन फ्री घूमेगा। मतलब गाड़ी नहीं चलेगी, रेस करेगी? नहीं, कुछ नहीं, इंजन फ्री घूमेगा, खाली उधर हूँ आवाज देगा। हाँ, खाली कैसा है ना, इंजन का आवाज आता है वैसा, इंजन मतलब कैसा अपने बदन में ताकत नहीं रहता है ना, वैसा इसका हो जाता है। अच्छा, मतलब गाड़ी चलेगी नहीं, वहीं पे हूँ करके आवाज देगी, जैसे एक्सीलेटर जैसे अपन दबाते वैसे? हाँ, वैसा वैसा। अच्छा, तो ये टाइमर बेल्ट का मेन काम, मतलब ये जो गाड़ी चलती है वो इसी से पूरा गाड़ी चलती पूरा, है पूरा 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 इसके ही चलती है। टाइमर और टूट गया ना, गाड़ी वहीं पर बंद हो जाएगी, तो उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर सपोज ये इस गाड़ी, सपोज ये तो चलो ओमिनी है, मारुति की गाड़ी कोई भी जैसे समझो कि अल्टो हुई, तो उसका कितना खर्चा आता है टाइमर चेंज करने का, टाइमर बेल्ट? टाइमर बेल्ट कैसा बेल्ट है, कंपनी का ओरिजिनल है, लोकल है, उसके हिसाब से। तो लोकल और ओरिजिनल दोनों का कितना फर्क पड़ता है रेट में? 500-600 का फर्क गिरता है। तो भी नया लगा लगाए तो कितना खर्चा आता है?
नहीं तो ये इसका लगाएगा तो 1500-1600 रुपए जाता है, मतलब 2000 के अंदर लग जाता है पूरा। कोई भी अच्छा भी लो 2000 के अंदर, कोई भी गाड़ी का मारुति लग जाता है। अगर स्विफ्ट वगैरह रहे उनका टाइमर बैल्ट ज्यादा रहता है, वो फिर गैरेज में लाना ही होगा। क्यों, उसमें ऐसा क्या है जो स्विफ्ट को गैरेज में लाना पड़ता है? टायर खोलने का जगह नहीं है। अच्छा, मतलब स्विफ्ट के अंदर जगह नहीं है? नहीं। अच्छा, तो इसका मतलब उसको पूरा उठा के करना पड़ता है। अच्छा अच्छा, मारुति का बात, ये ओमनी में हुआ, ये टर्नलेट हुआ, आपको कहीं भी बना सकते हो। अच्छा, छोटी छोटी गाड़ियाँ कहीं भी बना सकते हो, स्विफ्ट डिजायर हुआ, ये सब लानी पड़ेगी? नहीं, ये नहीं होता है, लानी पड़ेगी। लाइट दिखा रहे बेटा, ये बेल्ट कहीं भी रोड पे टूट गया, रोड पे भी डाल सकते हो। अच्छा, तो अगर कुछ से ट्राई करे तो इसी तरह इंजन खोल के खुद डाल सकता है? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मतलब कोई आदमी चुतिया नहीं बना सकता है कि इंजन जाम हो गया। मारुति का पेट्रोल गाड़ी का इंजन जाम होता ही नहीं। अच्छा, मतलब मारुति कंपनी की कोई भी गाड़ी हो पेट्रोल की, उसका कभी इंजन जाम नहीं होता, नहीं होता है। बस वो बेवकूफ़ बनाते हैं कि इंजन जाम हो गया। हाँ। और उससे पैसे डबल एट लेते हैं। हाँ। मतलब कि एक्चुअली उनका प्रॉब्लम हुआ रहता है कि ये फैन बेल्ट, ये जो अपना टाइमर बेल्ट है वो खराब हुआ रहता है, टूटा गया, टूटा रहता है। हाँ। तो अभी ये टाइमर बेल्ट चेंज करते हैं, उसके साथ में क्या चेंज करना पड़ता है? अपने बैरिंग भी करनी पड़ती है। स्टेशनर बैरिंग आता है, स्टेशनर बैरिंग, टाइमिंग स्टेशनर बैरिंग होता है। अच्छा, टाइमिंग स्टेशनर बैरिंग। अच्छा, उसके साथ में ये दोनों चेंज करने पड़ते हैं 2000 के खर्चे में? 2000 ज्यादा ही बता रहे हैं। अभी कंपनी को उसने रोड पर टूटा हुआ है, वहाँ पर गैरेज पर लाया गया तो कम में हो जाता है, 1500-1600 में हो जाएगा। हाँ। तो ये ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है कि जब वो गाड़ी खराब होती है और जब पिकअप नहीं पकड़ती है तो कोई भी अब बोलता है कि इंजन जाम हो गया, बट एक्चुअली हुआ रहता है ये टाइमर बैल्ट। हाँ, हाँ। देख लीजिए भाइयों, एक किस तरह से ये अपने गुड्डू भाई है, बहुत टॉप के मैकेनिक है, ये चेंज कर रहे हैं ओमिनी गाड़ी का टाइमर बेल्ट। मतलब हम जो भी गाड़ी चलाते हैं, जहाँ पे भी हम गाड़ी लेके जाते हैं, अचानक से आप देखोगे कभी गाड़ी बंद हो जाती है और गाड़ी पे रेस देते, खाली वो रेस देती रहती है और चलती नहीं है, रेस नहीं, खाली इंजन घूमता है, तो वो रेस देते तो इंजन ही घूम रहा है, चलेगी थोड़ी। हाँ, तो उन कस्टमर को तो वही पता चलेगा ना भाई, इसका खाली रेस जा रहा है, गाड़ी चल क्यों नहीं रही है। मतलब कहने का मतलब है कि इनके कि जब गाड़ी हम चलाते हैं तो कभी बीच में क्या होती है, बंद हो जाती है या फिर वो इंजन खाली उधर ही वाइब्रेट करता, आवाज़ देने लग जाता नॉइस, और चलती नहीं है। तो जब हम मैकेनिक को किसी को बुलाते सर्विस सेंटर वाले को, तो वो बोलते गाड़ी का इंजन जाम हो गया, बट इन एक्चुअली क्या हो रहता है, उसका एक बेल्ट रहता है जो टाइमर बेल्ट होता है, वो 1500-2000 रुपए का बीच में लगा के वो लोग देते हैं, तो वही प्रॉब्लम हुआ रहता था। अगर आपकी छोटी गाड़ी है तो आप कहीं पे भी किसी मैकेनिक को बुला के कर सकते हो, अगर आपको आता है तो आप खुद देख लीजिए इस लाइव वीडियो में, आप खुद किस तरह से गुड्डू भाई कर रहे हैं, तो आप भी उसी तरह से देख के आप खुद चेंज कर सकते हो। उन्होंने कुछ नहीं किया, खाली बेल्ट लगाया, बेल्ट के साथ में एक बैरिंग लगाई है और वो टाइमिंग सेट करके उस बेल्ट को पूरी तरह से टाइट कर रहे हैं, क्योंकि जब ये इंजन चालू होगा तो पूरा बेल्ट घूमेगा। तो गुड्डू भाई, अभी लाइव बताओगे किस तरह से इंजन घूमेगा? हाँ, अभी बताएंगे ना। अच्छा ठीक है, अभी बेल्ट लगाने के बाद गाड़ी स्टार्ट होएगी ना, ऐसे बेल्ट घूमेगा। दिखा दिखा, लूज है, अभी लूज है, उसको टाइट करने का है उपाय। अभी कारगर आदमी रहेगा तो उससे टाइट हो जाएगा, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं रहती है। अच्छा, स्क्रू अभी नट बोल्ट लगाने, इसका सेटिंग अभी सेटिंग नहीं हुआ ना, सेटिंग हो गया फिर पुल्ली लगा के बाहर हम लोग चेक कर लेते हैं ना, उसके बाद फिर फिटिंग करते हैं। तो इसको सिंपल में अपन इंजन का बेल्ट भी बोल सकते हैं ना, अगर शॉर्ट भाषा में बोले। हाँ हाँ, टाइमिंग बेल्ट, टाइमिंग बेल्ट जो, ठीक है, टाइमर बेल्ट होता है, टाइमिंग बेल्ट होता है वो, ठीक है, बट अगर शॉर्ट में इंजन का बेल्ट भी बोल सकते हैं, अगर किसी को समझ में ना आए तो। हाँ, ये इंजन का बेल्ट बोल सकते हैं ना। तो ये इंजन, पूरे इंजन में खाली एक ही बेल्ट लगा रहता है क्या? नहीं, दो बेल्ट आते हैं। कौन सा बेल्ट रहता है दूसरा? एक अल्टरनेटर है बाहर का। हाँ, वो बाहर, ठीक है, इसके अंदर इंजन में लगा हुआ, इंजन में एक ही। अच्छा, यही टाइमर बेल्ट? हाँ, टाइमर, कोई भी गाड़ी में एक ही आता है। अच्छा, तो मतलब यही है कि जब भी किसी को प्रॉब्लम हुआ तो मतलब इंजन का बेल्ट वो खराब हो गया। हाँ। उसका सिंपल में वो बोल सकता है इसको। हाँ, हाँ। अच्छा, बेल्ट से क्या पिकअप भी नहीं आएगी,
गाड़ी इंजन इस एरिया से भी नहीं होगा, मतलब बेल्ट खराब हो गया तो मतलब ना रेस होगा ना पिकअप होगा, बस वही पे वही पे इंजन खाली वो वाइब्रेट करके आवाज देता रहेगा। अभी ये दाता है ना, ये दाता टूट जाएगा ना तो पिकअप टूटेगा। अच्छा अच्छा, ये दाता भी टूटता है। अच्छा, ये भी टूटता है। हाँ, अभी इसमें टूटा नहीं है। देखिए ये बेल्ट है जो उसमें से निकाला गया है, तो उनके कहने का मतलब इधर के जितने ये देखिए ये चीजें होती है, इनके जो कट्स लगे इसमें अंदर, तो इनके जो दांत से वो अगर टूटते हैं तो उससे भी पिकअप नहीं होता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें पता नहीं होती है, और ये मैकेनिक होते हैं, हर कोई मैकेनिक अपने को बताता नहीं है। लेकिन मैं आपको देखो आज लाइव बता रहा हूँ कि ये जो मेन इंजन का बेल्ट कैसे चेंज करते हैं आपके सामने लाइव, कोई भी नहीं बताएगा। ये वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, साथ में गाड़ी स्टार्ट करके भी बता दिया है। इसको चेंज किया, क्या रीजन था, पिकअप नहीं पकड़ रहा था क्या, पानी में डूबा था ना तो वायरिंग खराब हो गया था। अच्छा, दूसरा कारण क्या था कि इसमें साइलेंसर जाम था। अच्छा, साइलेंसर भी जाम था, वो भी फ्री गाड़ी भागती नहीं थी। अच्छा, अभी गाड़ी सेटिंग करके स्टार्ट किया तो पता चला कि साइलेंसर इसका जाम है। अच्छा, साइलेंसर हो गया। हाँ, अभी तो अरे हो गया, अभी गाड़ी आप चला के देखो गाड़ी में, पहले कस्टमर हैरान हो गया था 3 दिन से। ये क्या आपके हाथ में है जो, ये पुल्ली है। अच्छा, इसको पुल्ली बोलते हैं। पुल्ली नहीं लगाएंगे तो बेल्ट बाहर का नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा, मतलब ये अभी बाहर के बेल्ट के लिए लगाना पड़ता है। नहीं, अभी ये क्यों लगाएगा, गाड़ी स्टार्ट करने का है ना आप लोग। हाँ नहीं, अभी वो नहीं लगाएंगे तो बेल्ट बाहर फेंक देगा। अच्छा अच्छा, मतलब वो, हाँ वो मतलब उसका लॉक सिस्टम हो गया सिंपल में बोला जाए तो, चेक करने के लिए लगाता है। अच्छा 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 अच्छा, या तो फिटिंग करके भी चेक कर लेंगे, लेकिन बेल्ट आप लोगों को समझ में दिखेगा नहीं ना। अच्छा अच्छा, अभी अच्छा अभी टेस्ट करने के बाद फिर आप वापस डबल धक्का ना पड़े, इसके लिए आपने पूरा फिट नहीं कर रहे हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी चेक करके फिर वापस खोल के कवर लगा देंगे। हाँ, अभी ये तो आप लोगों को दिखेगा बेल्ट कैसे घूमता है, नहीं तो फिर दिखेगा भी नहीं, पैक हो जाएगा ना। अभी सेल्फ मारने के पहले अपनों को इंजन घुमाना होता है। अच्छा, कि इंजन का बेल्ट बराबर है कि नहीं है चेक करना पड़ता है। हाँ, मतलब आधे से एक घंटे का काम है ये अच्छे से खोल के लगाने। हाँ, अभी देखो अपनों को मालूम हो गया बेल्ट बराबर है, कंप्रेसर बराबर बन रहा है। अगर कंप्रेसर बराबर है तो गाड़ी स्टार्ट होना ही है, जब कंप्रेसर नहीं रहेगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगा। गाड़ी की शर्ट चाबी है उधर, चाबी लेकर आ छोटो, चाबी लेकर तो फिर अपने पास लेकर आए। ये देखिए अभी गाड़ी स्टार्ट करने वाले हैं, तो अभी गाड़ी न्यूट्रल में। हाँ, न्यूट्रल में मत। ये देखिए फैन बेल्ट किस तरह से काम करता है, बैटरी बैटरी बाहर नहीं। अच्छा, गाड़ी की बैटरी बाहर नहीं। अच्छा, बैटरी का वायर लगा दीजिए, ये ओमिनी का बैटरी वायर इसके नीचे होता है, यहाँ पे होता है, और बैटरी इसके वायर, अब उसने बैटरी के वायर लगा दिए हैं, तो अब देखते हैं इंजन चालू करते हैं। देखिए आपने देखा होगा इस तरह से ये जो टाइमर बेल्ट चेंज किया गया, मतलब अगर आपकी इंजन्स में कुछ इश्यूज आ रहा है या फिर गाड़ी वहीं पे भी स्टार्ट होने के बाद भी नहीं चल रही है या कुछ इश्यूज आ रहा है, तो देखिए टाइमर बेल्ट का इशू होता है, सिंपल में हम लोग इंजन का उसका बेल्ट भी बोल सकते हैं, तो वो आसानी से चेंज हो जाता है। आपके साथ में लाइव वीडियो है, ठीक है, ओके, गुड बाय, हो गया है ना, अभी खाली बॉक्स पैकिंग बाकी है, वो तो कर ही लोगे। ठीक है, ओके।